बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम कैलकुलेशंस, केमिकल कैलकुलेशंस में बात करेंगे कि किस तरह अगर हमें एक वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरी मालूम कर सकते हैं। इन केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। यानी अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता हो तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता हो तो हम किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको पता है कि हैप्पीनेस की केमिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिल कब खुश होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर चलती है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, जो मेरी हदायत पर चलेंगे उन पर ना कुछ खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो आज हम देखते हैं कि हर बंदा परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, हालात उसे परेशान किए हुए हैं। तो कुरान मजीद की को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें, अल्लाह से जुड़ जाएं, खौफ और गम दूर हो जाएंगे। तो अपने ऊपर लाजम कर लें कि आपने कम अज़ कम 3 आयात रोज़ कुरान की तर्जमे के साथ पढ़नी है। अब हम इस बात को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम। हमारे पास एक 9 ग्राम कार्बन है, तो हमने उसका कैलकुलेट करने है नंबर ऑफ मोल्स। तो जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है वो है गिवन मास इज 9 ग्राम, और हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम, यानी मोलर मास जो है वो कार्बन का 12 ग्राम है। अब हम इसको अगर वैल्यूज़ को इक्वेशन में प्लेस करें तो हमारे पास आता है 9/12। अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास 0.75 इसका आंसर आता है, यानी 9 ग्राम ऑफ कोल इज इक्वलेंट टू 0.75 मोल ऑफ कार्बन। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें मोल्स को हम पार्टिकल्स में भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर कॉन्स्टेंट। एक मोल में ज़र्रात का नंबर मुस्तकिल है जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो हम मोल के नंबर को एवोगैड्रो नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये इक्वेशंस जो है वो यूज़ होती है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और फिर अगर इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं तो आएँ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर 3.01×10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है इस गिवन पार्टिकल के नंबर से। एक हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और फिर हमने इसका मास भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज प्लेस करते हैं। हमने गिवन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होके 1/2 हो गया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो 0.5 मोल आ गए हमारे पास। अब हम इन मोल्स को दूसरी इक्वेशन में प्लेस करते हैं। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 44 ग्राम है, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का और 32 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का। इसको अगर सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 22 ग्राम आ जाता है, यानी कार्बन का जो मास है वो 22 ग्राम है। तो जो हमने शुरू में इक्वेशन जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22 ग्राम। तो ये देखा आपने कि कितना आसान है इक्वेशन के साथ कैलकुलेशन करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।